नाम मैंने बोला उसके पहले बोल रहे हैं आप बोले आप। प्रश्न संख्या 319। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा की कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनका विवरण परिशिष्ट एक पर प्रस्तुत है। खंड दो, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में क्षतिग्रस्त कुल 39 सड़कों लंबा 192.58 किलोमीटर में से वर्तमान में 12 सड़कें 74.88 किलोमीटर विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट एक पर प्रस्तुत है। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की 10 करोड़ प्रति विधानसभा क्षेत्र के तहत 7 क्षतिग्रस्त सड़कें लंबाई 17.78 किलोमीटर राशि 529 लाख की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट दो पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों की स्वीकृति जारी करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्रार्थना पर निर्भर करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपड़ा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार के बताया कि 39 सड़कें नॉन पैचेबल हैं, उनमें से मात्र 12 सड़कें ही आपने अभी स्वीकृत की है। शेष बची हुई सड़कें 27 सड़कों को भी CRF, नाबार्ड, SRS के तहत स्वीकृत की जाए, क्योंकि शेष बची 27 सड़कें भी मोटरेबल नहीं है। ये सड़कें कब तक स्वीकृत कर दी जाएगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने मूल प्रश्न में माननीय सदस्य का जवाब दिया कि राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन में उपलब्धता के पारस्परिक प्रार्थना पर निर्भर करेगा। उसके उपरांत भी जो आपकी 7 सड़कें 10 करोड़ के बजट में जो हमारा 23-24 का बजट है उसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्तावित कर दिए हैं, आपको धन्यवाद देना चाहिए। और नंबर दो, मैं ये कह रहा हूँ जो आप CRF और ये इनकी बात कर रहे हैं, ये सड़कें वो सड़कें हैं जो कई बार मान के चलो सड़क 13 किलोमीटर लंबी है, उसमें से 1 किलोमीटर सड़क है या 500 मीटर की सड़क है या 1.5 किलोमीटर की सड़क है, वहाँ पर वो क्षतिग्रस्त है। पूरी सड़क कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन पारस्परिक प्रार्थना पर निर्भर करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय ने कभी छबड़ा को देखा नहीं है, ना छबड़ा की भौगोलिक परिस्थिति देखी है, ना वहाँ की ज़मीन किस प्रकार की इस प्रकार का नहीं देखे। वहाँ पर ब्लैक कॉटन सोयल है, आप माननीय अध्यक्ष महोदय खुद जानते हो कि ब्लैक कॉटन। माननीय सदस्य, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, माननीय सांसद से लेकर CRF का पैसा अलॉट कराओ जो बाकी सड़कें भी बन जाएगी। सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि CRF में CRF का पैसा में, आप माननीय सांसद महोदय से आप मिले, उनसे अप्रोच करें और CRF का पैसा लेके आए, सड़कें और तेज गति से बन जाएगी। एक पूछ लूँ सर, ये वर्तमान में कौन कौन सी क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण? 7 सड़कें लिख दी इसमें। अगला प्रश्न, बलबीर सिंह लूथरा, सॉरी।